जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 24 का जो टेस्ट लिया गया था उसका जो है हम आंसर की लेके आए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए डे 24 जो टेस्ट सीरीज था उनका टॉपिक था ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इस टॉपिक में जो है आपको जो है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अलावा जो है मानव नेत्र से जो है क्वेश्चन जो है डाला गया है। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश 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 के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा प्रकीर्णन। देखिए जब प्रकाश धूल तथा सूक्ष्म कण वाले माध्यम से जो है गुजरता है तो प्रकाश इन पदार्थों के कारण जो है सभी दिशा में जो है कभी कम तो कभी जो है अधिक जो है प्रसारित होता रहता है और वही घटना जो है क्या कहा जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कहलाता है। तो हम क्या बताएं कि प्रकाश जब धूल तथा सूक्ष्म कण वाले माध्यम से जब गुजरता है तब जो उस माध्यम के कारण जो कहीं पर जो है कमी हो जाएगा और कहीं पर जो है अधिक प्रसारित हो जाएगा प्रकाश का, तो वही घटना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए ये जो घटना जो है ये जो है डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर? तो तरंग दैर्ध्य पर जो है डिपेंड करता है। अगर कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश होगा तो क्या होगा, उसका प्रकीर्णन जो है अधिक हो जाएगा। वहीं अगर अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश का किरण होगा तो उसका जो है प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों जो एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, जो कि याद रखना है कि बैंगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होगा जबकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में निकट और दूर दृष्टि वाला, इसमें जो है दृष्टि दोष के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको जो एक ट्रिक याद करना है। क्या ट्रिक? तो देखिए जब भी निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो निकट कितना शब्द हो गया, तीन शब्द हो गया, तो आपको जो है उसका जो आंसर जो होगा तो चार शब्द वाला होगा। तो आपको देखना है, देखिए उत्तल में क्या है, तीन शब्द है उत्तल, और देखिए अवतल में क्या है तो अवतल, तो चार शब्द। तो जैसे ही तीन शब्द वाला पूछेगा निकट तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको ट्रिक से देना है अवतल लेंस। अगर पूछ देगा दूर तो कितना आ जाता है इसमें शब्द, तो दो आ जाता है दूर, दूर तो हमको कितना बढ़ाना है, तो एक बढ़ाना है, एक शब्द बढ़ाना है, तो कौन सा आ जाता है तो उत्तल, तीन शब्द वाला। तो इसलिए जो इस ट्रिक के द्वारा जो है आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अगर आप सोए भी रहेंगे और अगर आपसे पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष है और निवारण के लिए जो कौन सा लेंस लगाया जाए तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई अवतल लेंस जो है इसको जो है पहनाया जाना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। तो कौन हो जाएगा, अभी तुरंत हम बताए थे कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है जबकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और इसमें क्वेश्चन भी पूछ दिया कि कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, तो किसका प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, तो जिसका तरंग देर ज्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो किसका होगा, तो लाल का जो है तरंग देर ज्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लाल। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा फोकस दूरी का जो है व्युत्क्रम होता है। देखिए पावर ऑफ लेंस की जब भी बात करें, मतलब लेंस की शक्ति की जब भी बात करें तो आपको जो है फॉर्मूला एक होता है जो कि पावर बराबर होता है 1/f, आपको ये याद रखना है। पी जो है मतलब पावर जो है शक्ति जो है, एफ का क्या है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा फोकस दूरी का जो है व्युत्क्रम होगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश डैश होता है। तो क्या होगा, तो डायरेक्ट बराबर होता है, परावर्तन कोण और आपतन कोण जो है बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? तो देखिए परावर्तन के दो नियम होता है, एक नियम होता है इसका आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम होता है आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण जो एक ही समतल यानी प्लेन में होता है। ये छठा क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। तो भाई देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तो बैंगनी से ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा है लाल का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी का देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है हरे प्रकाश से ज्यादा है, तो बात तो सही है, क्योंकि सभी प्रकाश से ज्यादा जो है इसका तरंग दैर्ध्य होता है किसका, तो लाल का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। अब सी देख लेते हैं ऑप्शन, वैसे तो देखिए बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है हरे प्रकाश से ज्यादा है, तो क्या है, तो गलत है। और डी देखिए, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो पीले प्रकाश से ज्यादा है, तो देखिए बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है पीले प्रकाश से कम है, जबकि लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डी का दे दिया ऑप्शन डी में कि बोल रहा है कि पीले प्रकाश से ज्यादा है, तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो देखिए, जब कोई माध्यम का ताप बढ़ता है तो प्रकाश के वेग पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो अपरिवर्तित रहता है। हाँ, लेकिन अगर जो ताप बढ़ता है तो कुछ जो है, मतलब थोड़ा जो है अपवर्तनांक पर जो है कुछ जो है इफेक्ट जो है उसका पड़ता है। देखिए आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रकाश द्वारा जो है प्रारंभ होती है। किसके द्वारा, तो प्रकाश द्वारा जो है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया जो है प्रारंभ होती है। नवा क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो है वायुमंडल द्वारा जो अधिक प्रकीर्णित होती है। तो देखिए, क्योंकि प्रकीर्णित प्रकाश का जो मिश्रित रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है, और इसीलिए जो है आकाश जो है नीला रंग का जो है लगता है। अब आइए दसवां क्वेश्चन देखते हैं, यह भी है उसी से रिलेटेड कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो किसके कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण ही होता है ना। देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन है, यदि किसी एनक के लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अगर आपको जो है ये जो पावर ऑफ लेंस जो है, मतलब लेंस की अगर शक्ति का जो है अगर आपको फार्मूला होगा, जो कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे फार्मूला, वो अगर याद होगा होगा तो इसको जो डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं, क्या करिएगा, P = 1/f होता है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है फोकस दूरी निकालने के लिए, तब तो जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/p हो जाएगा। 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है लेंस का पावर, मतलब p जो है दिया हुआ है कितना है, +2 है, तो इसे अगर आप डिवाइड कीजिएगा 2 सेंटीमीटर से तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंगों एवं कौन दोनों के जो है समान होती है प्रकाश विकिरण की जो है प्रकृति। 13वां क्वेश्चन है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं कहाँ पर, तो हजामत के पास बनाते हैं। तो और आप बुक में जो पढ़े होंगे कि हजामत जो कौन से दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। देखिए जब सुबह को बारिश होता है और उस समय जब सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो उसका इंद्रधनुष किधर बनता है, ठीक उसके अपोजिट बनेगा, उसके व्यतिक्रमानुपाती, कहाँ, तो पश्चिम दिशा में। अगर वहीं जब शाम को अगर बारिश होता रहता है और बारिश होने के उपरांत जो है अगर जो है प्रकाश निकलता है तो उसका जो है इंद्रधनुष कहाँ निकलेगा, तो उसका निकलेगा पूर्व साइड। लेकिन बोल रहा है दोपहर के 12 बजे जो किस दिशा में होगा, तो 12 बजे क्या होता है, तो सूर्य जो होता है वो ठीक जो है सर के जो है ऊपर होता है, मतलब सीधे सिर के ऊपर होता है, तो इसलिए जो इस समय क्या होता है, तो वर्षा के बूंद में जो है प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है, और इसलिए जो है इंद्रधनुष जो है नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। अभी हम ट्रिक से बताए थे कि दूरदृष्टि जब दोष रहेगा तो क्या है, तो दूर है तो 2 शब्द है, तो इसलिए इसको 1 बढ़ाना है, तो 3 शब्द वाला हमको खोजना है, तो क्या हो जाएगा, तो 3 शब्द वाला उत्तल लेंस हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है, तो प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3×10^8, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो अगर याद नहीं कीजिएगा, अगर आपको कंसेप्ट पता है तब तो आप भूल ही नहीं पाइएगा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग के जो है किया जा सकता है। 19वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में जो है हम किसके द्वारा करते हैं, तो तंतु को जो है गर्म करके जो है हम जो है पैदा करते हैं।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस प्रकाश में दिखाई देता है? तो देखिए हमको पता है कि दृश्य प्रकाश जो है कितना होता है, 3900 कुछ जो है एंगस्ट्रॉम से लेकर जो है 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो आप ही देखिए इस दृश्य प्रकाश में बोल रहा है कि किस रेंज में आएगा, तो आप ही अनुमान कीजिए कितना आ जाएगा। इसको जो है नैनोमीटर में यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है, तो नैनोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 400 से लेकर 700 nm ऑप्शन के अनुसार। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, वही बात है इसी को घुमा दिया है, तो कितना होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से जो है 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसी को अभी 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया था, तो नैनोमीटर में दे दिया था और इसी को जो है एंगस्ट्रॉम में दे दिया था। देखिए 22वां क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं परिवर्तित होता है, मतलब नहीं बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब सब कुछ बदल जाता है, वेग रहेगा वो भी बदल जाएगा, गति भी उसका बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगा, अपवर्तनांक भी बदल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है, तो ऑप्शन के अनुसार जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नैनोमीटर में चेंज कर दिया ऑप्शन अभी तुरंत हम बताए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। 24वां क्वेश्चन है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है उसका प्रास कितना है? तो देखिए मानव आंख जो है, वैसे तो दृश्य प्रकाश कितना होता है आपको पता है कि 3900 से लेकर 7600 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि किस प्रकाश के लिए। तो देखिए मानव नेत्र जो है ज़्यादा देखता है किसको, तो 5500 जो एंगस्ट्रॉम का जो प्रकाश होता है, जो कि होता है पीला और हरे रंग का प्रकाश होता है, उसको जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। अभी खुद आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जो है, देखिए पीले रंग का है, आप देखिएगा ज़्यादा जो है जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा जो पीले रंग का जो है आपको जो है क्वेश्चन में कलर जो वो ज़्यादा दिखता होगा। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो देखिए प्रकाश का वेग तो किस में अधिकतम होता है, तो निर्वात में अधिकतम होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, निर्वात में। और देखिए इसके अलावा कुछ फैक्ट है, जो कि जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल तो आप जानते ही हैं 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, और पानी में अगर बात करेगा कितना है, तो आपको आंसर देना है 2.26×10^8 मीटर सेकेंड। और वहीं अगर पूछ देखिए तारपीन तेल में जो है इसका अपवर्तनांक कितना होगा, यानी चाल कितना होगा, तो देखिए इसमें जो है 2.04×10^8 मीटर पर सेकेंड। और अगर वहीं पूछ दे कांच में, कांच से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो वहीं अगर पूछ दे कि कांच में जो प्रकाश की चाल कितना है, तो आपको देना 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। और हाइड्रोजन की बात करें जो कि ऑप्शन में है, तो 2×98×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब 26वां क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, कितना लगता है, तो आपको पता ही है 8 मिनट जो है 20 सेकेंड लगता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ जो है 8 मिनट दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 27वां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो कौन सा है, तो आपको अभी हम बताए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य वेग सारा बदल जाता है, लेकिन क्या होता है, तो सिर्फ आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य और वेग जो है चेंज हो जाता है। बोल रहा था क्या प्रभावित होता है, तो तरंग दैर्ध्य और वेग ही प्रभावित होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन जो और व्यतिकरण होगा। सर्फ दे देते हैं पानी में और इसको जो झाग बनाते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि बैलून की तरह जो है वो जो है उठ जाता है और वो जो है चमकता रहता है, ये किसका है परिणाम, तो ये जो है व्यतिकरण का जो है परिणाम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वही बात है आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब देखिए 30वां क्वेश्चन भी है वही है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब 31वां क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हुए हीरे के असाधारण चमक का जो है आधारभूत कारण यह है कि क्या है, तो उसका जो है अति उच्च जो है अपवर्तन जो है सूचकांक होता है, यही है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, मतलब बोल रहा है कि 3D चित्र लेने के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, होलोग्राफी का जो है हम यूज करते हैं। अब 33वां क्वेश्चन है, जब एक CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो आप देखे होंगे तो इंद्रधनुष के समान रंग जो है दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है किसके कारण, तो इसका भी जो व्याख्या जो है परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर ही जो आप कर सकते हैं। 34वां क्वेश्चन है, जो कि कथन से संबंधित है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब बोला है कि इसका कारण है कि आंख की रेटिना पर जो निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि ये जो बात जो आप जो बोले कथन जो है ये तो बात सही है, परंतु आप जो उसका कारण जो बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहेगा, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो है 16 सेकेंड बाद तक जो है बना रहता है। अब देखिए 35वां क्वेश्चन है, दृष्टि पटल जो कि रेटिना कहलाता है, तो वही बोल रहा है कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, तो छोटा बनता है और ठीक जो है उल्टा बनता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 36वां क्वेश्चन, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से जो है होता है, किसकी वजह से, तो ये धूल कण की वजह से जो है होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 37वां क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है, तो क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 38वां क्वेश्चन है, खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है कम होता है, क्यों, क्योंकि इसका तरंग देर जो है ज्यादा होता है, और जब ज्यादा तरंग देर होता है तो उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग जो जब ऊपर से देखता है, अंतरिक्ष में रहता है और वो जो है जब आकाश को देखता है तो उसको जो काला दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 40वां क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों, तो अभी हम तुरंत देखे थे कि हमारी आंख जो है किस रंग को जो है ज्यादा देखता है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम को और 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच कौन सा आ जाता है, तो पीला आ जाता है और हरा आ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर जो है परावर्तित करती है। अब 41वां क्वेश्चन, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं आप जब बाइक चलाते हैं तो उसमें जो हेडलाइट में लगा रहता है कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 42वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, मतलब बोल रहा है कि इंद्रधनुष जब निकलता है तो आपको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, बेजा नीह पी नाला, तो आप इसी तरह से जो है इसको डिसाइड कर लीजिए कि इसके बीच में कौन सा रंग आता है, तो बेजा नीह तो हरा आ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक साइड से लेफ्ट साइड से 3 हटा दीजिए और राइट साइड से 3 हटा दीजिए, 6 हो गया, और बीच वाला 4 नंबर का जो है उठा लीजिए जो कि वो है हरा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किसके, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस जैसा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब 44वां क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इन युग्मों का व्यवहार कैसा होगा, तो इन युग्मों का व्यवहार कैसा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कांच की समतल चादर की भांति ही होगा। अब 45वां क्वेश्चन है, 3 रंग मूल रंग है और ये है कौन सा, तो देखिए नीला हरा और लाल जो है ये जो है मूल रंग है, ये जो था मूल रंग को ही जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है, और अगर बात करिए द्वितीय रंग तो इनको मिलाने से जो है द्वितीय रंग का निर्माण हो जाता है पीला और मेजेंटा के रूप में हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है तो तीन रंग मूल रंग है कौन सा, तो नीला हरा और लाल जो है ये जो है मूल रंग है, इसी को इंटरचेंज करने से जो है द्वितीय रंग का जो है निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, सभी को जो है बता दिए हैं उसका आंसर की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड नाइट, टेक केयर।